चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा के बिजली मंत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने को लेकर दिया बड़ा बयान। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिजली निगम को घाटे से फायदे की स्थिति में लेकर आए कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को भाजपा की ठोस ढंग से पैरवी करते नजर आए। स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगले 20 साल तक न तो केंद्र में और न ही प्रदेश से भाजपा हिल पाएंगे। वे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बिजली से जुड़ी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। समस्याएं सुनने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ा बयान दिया। बिजली संकट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अब संकट ना के बराबर है। जहां से भी जिस भाव में बिजली मिल रही है खरीद रहे हैं, संकट को खत्म कर रहे हैं। महंगी और सस्ती का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सीएम के स्पष्ट निर्देश हैं कि लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। जनता के बीच अपनी बात रखते हुए और बाद में मीडिया से बातचीत में चौटाला ने एक मित्र के नाते पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दे डाली। कहा कि जहां सम्मान न मिले वह स्थान छोड़ देना चाहिए। कारण है कि अब कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। ऊपरी स्तर पर सोनिया गांधी कांग्रेस व हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस। हाँ, यह तो ठीक है कि अपने नाम पर हुड्डा कुछ विधायकों को जिता ले जाएंगे, लेकिन सरकार बनेगी यह तय नहीं है। पुराना उदाहरण देते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंशीलाल सहित अनेक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो भविष्य उज्ज्वल हुआ। बिजली मंत्री ने अपना अगला चुनाव भाजपा से लड़ने का इशारा दिया। कहा कि चाहे लोस हो या विधानसभा, यह समय बताएगा। हालांकि बातचीत में यह दर्द भी जरूर दिखा कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी। चौटाला ने कहा कि आज के समय में देश भर में धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म हो रहा है, लेकिन परिवार के नाते जजपा इनेलो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में जनता को चाहिए कि वह रास्ता न भटके और जूद कायम करने के लिए राष्ट्र दल को राष्ट्रीय दल कांग्रेस द्वारा उदयभान को अध्यक्ष बनाए जाने पर, चार कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने पर बिजली मंत्री ने कहा कि इससे पता चलता है कि वे कहां खड़े हैं। साथ ही यह कहा कि अगर हुड्डा को कांग्रेस छोड़नी चाहिए क्योंकि टिकट बांटने के समय में हर कोई अपना हक जताएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।